हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बस सिक्स के पार्ट फोर पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट का नाम है हॉकी का जादूगर। हॉकी एक प्रकार का खेल है, उसी के बारे में दिया हुआ है। इसके लेखक है मेजर ध्यानचंद। वो उन्होंने अपनी जीवनी की कहानी लिखी है। एक बार आप लोगों को मैं कहानी बता देती हूँ, इसके बाद लोग उत्तर कराऊंगी। कहानी ध्यान से सुन लीजिए, शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लोग किताब से अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कहानी है जीवन के ध्यान हॉकी का जादूगर पर कसान के ध्यान चंद को हॉकी का जादूगर। हॉकी खेलने में बहुत ही निपुण है, बहुत ही दक्ष है, बहुत ही उनको सम्मानित किया गया है। ध्यान चंद का जन्म 1904 में प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक साधारण परिवार में हुआ था। एक बहुत साधारण परिवार में इलाहाबाद उनका जन्म हुआ था। बाद में उनका परिवार जो है झांसी जाकर, झांसी एक जगह, झांसी भी जगह का नाम, वहाँ जाकर बस गए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा सैनिक में सिपाही के पद पर भर्ती हो गए। फौज में भर्ती हो गए सिपाही के पद पर, और उसी में उनके सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार ध्यानचंद को उनके एक मेजर थे जिसमें सिपाही में फौज में भर्ती हुए। उस समय मेजर जो थे उनको बार बार हॉकी खेलने पर चलो हॉकी खेला जाए। समय खाली रहता था दोनों जाके फील्ड में खेलते। जिस तरह वो खेलते खेलते हॉकी में इतना निपुण हो गए, पूरा वर्ल्ड में उनका जो है नाम हो गया और बहुत खिलाड़ी बन गए। इसे उनका सभी लोग हॉकी का जादूगर नाम से जानने लगे, हॉकी के जादूगर नाम से जानने लगे। वह खिलाड़ी मेजर चंद की बात सुनकर दौड़ा गया। पूरे खेल के दौर में देखता रहा कब उसके सिर पर हॉकी मारना होगा। और जो थे हमेशा देखते थे वो किस तरह के हॉकी खेलते हैं, कैसे लोगों को ही करते हैं। तो आज जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मेरी सफलता का क्या कारण है, तो मैं यही उत्तर की जब भी कोई ध्यान छंद से पूछता है कि आपकी सफलता का क्या कारण है, आप इतने बड़े नाम पर हॉकी में जादूगर हो गए, तो हम उत्तर देते हैं कि क्या है लगन, साधना और भावना ही सफलता की सबसे बड़ी बात है। कि मनुष्य में अगर कोई भी चीज़ के प्रति लगन रहेगा, साधना रहेगा और भावना रहेगा, तभी मनुष्य जो है सफल हो सकता है। ये बना के चलेगा कभी बनेगा, उसके लिए लगन, साधना और मेहनत से पढ़ेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। हर जीत तो मेरी है बल्कि पूरे देश की है, हर जीत तो लगा ही रहता है, फेल पास होना तो मनुष्य का ही है। इसलिए वह हमेशा मनुष्य को लगन से काम करना चाहिए और एम बनाकर करना चाहिए, उसके तभी मनुष्य अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसके बाद मैं इस प्रश्न इस पाठ का एक दो प्रश्न बोर्ड पर लिख दे रही हूँ, इसे आप लोग कॉपी में लिखिए। प्रश्न पहला है ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे। ध्यानचंद किस बात से संबंध रखे से संबंध रखते थे। उत्तर है ध्यानचंद का संबंध हॉकी के खेल से है। ध्यानचंद का संबंध हॉकी के खेल से है। दूसरा प्रश्न, दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी क्यों मारी। दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी क्यों मारी। इसका उत्तर है विपक्षी जो उनके टीम में नहीं थे, उनके विपक्षी के उसी मतलब विपक्षी, विपक्षी टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश करते। विपक्षी टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश करते लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। लेकिन उनकी हर कोशिश जो थी बेकार जाती। इतने में गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने, इतने में विपक्षी पार्टी के खिलाड़ी ने गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी दे गिराई। गुस्से में आकर ध्यानचंद के सिर पर क्या हो हॉकी गिरा दी, जिससे वो हॉकी हो गए। यह आज मैं इतना ही इसको पढ़ा दिया, इसे अपने पेयर में तैयार कीजिएगा और किताब से अच्छी तरह कहानी पढ़ लीजिएगा, और जो नहीं आएगा समझ में उसे स्कूल में बताया जाएगा। अब पढ़ने के लिए आप लोग कॉपी में लिखिए। दूसरा प्रश्न है ध्यानचंद ने अपनी सफलता का
अंतर है। मेजर ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राह बताते हुए कहा है मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र है गुरु मंत्र तो है नहीं लगन साधना खेल की भावना ही सफलता का सबसे बड़ी आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। मेजर ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा, मेरे पास सफलता कोई गुरु मंत्र तो है नहीं लगन साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़ी मंत्र है सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं लगन साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़ी मंत्र है। यह तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। इसे आप लोग लिख लीजिए और नोटबुक तैयार कीजिएगा और मैं जो समझ में नहीं आएगा उसे इस ग्रुप में बताया जाएगा। आज का वीडियो इतना ही। ओके, धन्यवाद।